नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा आहूजा है। किसी ने आपको बुरा भला कहा, आपके साथ गलत हुआ, उन्होंने तो एक बार आपके साथ ये किया, लेकिन आप अपने आप को वही चीज बार बार दोहराते हैं। पर ऐसा बहुत लोग करते हैं, इसमें क्या आपकी गलती उनसे कम हुई? आपको ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, उन्होंने जो भी किया उसके बारे में आप वापस से बार बार अपने आप को वही चीज दोहरा रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर और डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान है। क्योंकि हम जिसके बारे में भी सोचते हैं, जो भी डिस्कस या शेयर करते हैं, उसकी एनर्जी हमारे अंदर और एक्टिव हो जाती है। यही तो एनर्जी की लॉ है, यही एनर्जी का नियम है। इसीलिए ध्यान रखें, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, माफ करना सीखें, ब्लेस करना सीखें। माफी और ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे जाकर खुद बात करें या आप उनसे आगे रिश्ता बढ़ाना चाहें। माफी का मतलब ये है कि आप अपने अंदर उनके प्रति घृणा ना रखें, क्रोध ना रखें, नफरत ना रखें, क्योंकि ये ऐसी भावनाएं हैं जो उसी को चोट पहुंचाती हैं जिसके दिल में वो जन्म लेती है। ईर्ष्या हो, क्रोध हो, नफरत हो, ये उसी को बर्बाद करती है जिसके अंदर वो रहती है। तो भले ही आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर अगर आप बार बार दूसरों ने आपके साथ जो किया उसके बारे में सोचते रहेंगे, उनकी गलतियों को आप बार बार दोहराते रहेंगे और आप खुद भी बुरा महसूस करते रहेंगे, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं और आप ये डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि एनर्जी के नियम के हिसाब से आप अपने जीवन में और ऐसी भावनाओं को लेकर आएंगे और ऐसी लोगों को लेकर आएंगे जो आपके साथ ऐसा करें। इसीलिए आज से ही सुबह जब आप उठते हैं और रात को जब आप सोते हैं, उस समय ऐसे लोगों को याद करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, और 1 मिनट लीजिए उनको याद करते हुए अपने आप को दोहराएं कि मैं इन्हें माफ करता हूँ, मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उन्हें माफ करने का बिल्कुल मन ना हो। ऐसे समय में आप यूनिवर्स से कहिए, ईश्वर से कहिए कि मेरे जरिए तुम इन्हें माफ करो, मैं इनसे नफरत नहीं करना चाहता हूँ, मेरे अंदर मैं प्रेम चाहता हूँ, मेरे अंदर मैं शांति चाहता हूँ। जैसे ही आप ये बोलना शुरू करेंगे, आपके अंदर की जो दिव्य शक्ति है वो जागृत होगी और आप डेफिनेटली ज्यादा शांतिपूर्वक अपने आप को पाएंगे। आप ये भी महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो उनके लिए नफरत थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। माफ करने की एक और वजह है, हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि जब भी हम किसी को माफ करते हैं, दरअसल हम अपने आप को ही माफ कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में हर कोई जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर किसी में वो दिव्य शक्ति है। हो सकता है अपने मेमोरीज और यादों के कारण, अपने वातावरण के कारण, हो सकता है उनके साथ खुद जो हुआ है उसके कारण लोग नफरत करने लगते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन अंदर तो हर किसी में वो दिव्य शक्ति है, हर किसी में अंदर वो एक प्रेरणा है जो अगर जागृत हो जाए तो अपने जीवन में वो जरूर सुधार कर। जब आप लोगों को ब्लेस करते हैं ना, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। यही प्रोटेक्शन से, यही शांति से जो आप महसूस करते हैं, आप दूसरों में सही बदलाव भी लेकर आ सकते। नफरत से, घृणा से हम किसी में भी कोई अच्छा बदलाव नहीं लाए, अपनों में भी हम अच्छा बदलाव नहीं लाएंगे तो हम दूसरों में क्या बदलाव। इसीलिए आज से ही फॉरगिव करना सीखें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मैंने दूसरों को माफ कर दिया तो ईश्वर भी इन्हें माफ कर देगा, या मैं अपने साथ गलत करूंगा अगर मैंने इनको माफ कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत है। चलिए मानते हैं जो उन्होंने किया वो बहुत गलत है, लेकिन आप ईश्वर पर विश्वास रखें। ये विश्वास रखें कि जो जजमेंट है किसी के कर्मों की, कि उन्होंने सही किया या गलत किया, अगर हम ईश्वर और यूनिवर्स पर छोड़ेंगे और अपने आप से ये कहेंगे कि हमें अपने अंदर इनकी एनर्जी नहीं रखनी है, तो वही ईश्वर हमारे साथ इंसाफ करेगा। इसीलिए
कर्मा पर विश्वास रखिए, ईश्वर और यूनिवर्स पर विश्वास रखिए। अपने अंदर ये भावना पैदा मत होने दीजिए कि आपको दूसरों को सबक सिखाना है। नहीं, आपको अपने जीवन को सुधारना है, आपको अपनी एनर्जी को शुद्ध करना है, आपको अपने जीवन में अच्छे और बड़े काम करने हैं, आपको अपने परिवार को सुख देना है। ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर नफरत ना हो, जब आपके अंदर आक्रोश ना हो, जब आपके अंदर घृणा ना हो। इसीलिए आज से ही अपना सोचिए, ये सोचिए कि हर बार आप जब किसी को माफ करते हैं, आप अपनी एनर्जी को शुद्ध करके अपने ही जीवन को और सही रास्ते पर, अपने ही गोल्स की तरफ और तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा असर फॉरगिवनेस का पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे हेल्थ पर। जब आप फॉरगिव करते हैं ना, तो आपका शरीर जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाता है, जिससे आपके अंदर आप शक्ति और महसूस करेंगे, आपके अंदर आप उत्साह महसूस करेंगे, आपके अंदर आप प्रेरणा महसूस करेंगे, जिससे आप सही चीज को सही वक्त पर पूरा कर पाएंगे, आप सही चीजों की तरफ बढ़ेंगे। और जो चीजों की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए ना, वो चीजों के लिए भी आप खुद से ही मना करेंगे। यही फायदा होता है जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, जब आप अपने अंदर की दिव्य शक्ति पर विश्वास रखते हुए डिवाइन क्वालिटीज को अपनाते हैं, जैसे कि फॉरगिवनेस, लव, पीस, जॉय। याद रखिए, यूनिवर्स ये नहीं देख रहा है कि किसकी वजह से आपके अंदर गलत भावना आई है, वो तो यही देख रहा है कि आप इस गलत भावना का क्या कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी वजह हो आपकी नेगेटिव थिंकिंग की, आपकी नेगेटिव फीलिंग्स की, याद रखिए आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस नेगेटिव फीलिंग से निकले। इस समय का इंतजार ना करें कि कोई आएगा मुझसे माफी मांगेगा, मेरे पैरों पर गिरेगा, फिर मैं अच्छा महसूस करूंगा। ये गलत सोच है और ऐसी सोच हमें कभी भी जीवन में आगे नहीं लेकर जाएगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, फॉरगिव करें। अगर आप फॉरगिव करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी शांति पैदा होती है जिससे आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरों से नफरत करते हैं, उनके प्रति आपके अंदर ऐसी गलत भावना है जिससे आप उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं या उनके बारे में गलत सोचते हैं, तो आप सुखी नहीं रहते, आप बेचैन महसूस करते हैं। इसका मतलब कि ये बेचैनी जो है आपको बता रही है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, वो गलत है, वो डिवाइन एनर्जी से मेल नहीं खाता। एक आखिरी बात इस वीडियो में आपसे कहना चाहती हूँ। तो जैसे हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा है कि अच्छी संगत रखेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा, उसी प्रकार से अगर दूसरों के बारे में सोचेंगे, उनकी गलतियां दोहराएंगे और उनसे नफरत करते रहेंगे, तो आप उन्हें अपनी संगत में रख रहे हैं, क्योंकि आप उनकी एनर्जी को अपने अंदर रख रहे हैं। तो याद रखिए, आपके जीवन में सकारात्मकता तभी आएगी जब आप दूसरों को माफ करेंगे। और माफ आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपने आप को याद दिलाइए कि आप डिजर्व करते हैं प्यार, आप डिजर्व करते हैं खुशी, आप डिजर्व करते हैं सफलता। किसी ने जो किया उसकी गलती का उन्हें क्या सबक मिलना चाहिए, उन्हें क्या महसूस होना चाहिए, ये सब ईश्वर पर छोड़िए, वक्त पर छोड़िए। आपका काम है कि आप अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालें। इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेंगे और अपने जीवन में और खुशियां लेकर आएंगे। जिस तरह से दूसरों को माफ करना जरूरी है, उसी प्रकार से अपने आप को भी माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आपको अपने लिए बहुत घृणा है, जिसकी वजह से आप बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है आपने जो किया उसके लिए आपको माफी नहीं मिलनी चाहिए, तो ये सोच भी गलत। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर, हमने इतनी ऐसी चीजें की हैं जिस वजह से हमें लगता है हम माफी के लायक नहीं है। दोस्तों, कभी भी ऐसा ना सोचिए। ईश्वर और यूनिवर्स यही देखता है कि क्या आप अपनी गलती से सीखे हैं, क्या आपके अंदर रिपेंटेंस है, सही पछतावा है, क्या आपने अपने पास्ट से सबक ली है और क्या आपके अंदर अब वो भावना है कि अब आगे जाकर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे और किसी का भी बुरा जाने अनजाने में करने की भूल नहीं करेंगे। ऐसी भावना आपके अंदर अगर है, तो ईश्वर और यूनिवर्स आपको जरूर फॉरगिव करेंगे।
और ईश्वर और यूनिवर्स भी आपको एक दोबारा मौका देगा। तो अपने लिए भी आप नफरत ना रखें, घृणा ना रखें, इससे आप अपने अंदर की दिव्य शक्ति को ठुकरा रहे हैं और ये बहुत गलत है। तो गिल्टी ना हो, आपने कुछ गलत किया, हो सके तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। शायद किसी से माफी मांगकर आपको बेटर फील होगा, शायद अपने आप में सुधार लाने से आपको बेटर फील होगा, शायद आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं जिससे दूसरों को और आपके आसपास लोगों को भी आपकी सच्ची भावनाएं महसूस हो। जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए, साथ में रोज दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी ब्लेस कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग में बहुत शक्ति है। पछतावा होना चाहिए अगर आपने कुछ गलत किया है उसकी, पर इस पछतावे में आप इतने गिल्टी ना हो जाए कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े। ईश्वर और यूनिवर्स तो यही चाहता है कि हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे, अच्छा महसूस करेंगे तो आप दूसरों का भला करेंगे, दुनिया का भला होगा। इसीलिए अगर आपने कुछ बहुत बुरा भी किया है, याद रखिए अभी भी आप जीवित हैं और आज से आप इतना अच्छा कर सकते हैं कि आपको अपने सारे पिछले कर्मों के लिए माफी मिल जाए और आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए एक सुंदर दुनिया बना सके। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको प्रेरित करेगा कि आप फॉरगिवनेस को अपनाएं, अपने आप को और दूसरों को ब्लेस करते रहें और बाकी सब ईश्वर पर छोड़िए। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए, जो काम कर रहे हैं उसमें मन लगाइए और अगर मन नहीं लग रहा, अपने आप से पूछिए इसको फॉरगिव करना है मुझे, चाहे वो अपने आप को फॉरगिव करना हो या दूसरों, क्योंकि फॉरगिव करेंगे तो अच्छी चीजों में आपका ध्यान जाएगा और आप सफलता की ओर और तेजी से कदम बढ़ाएंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्ते। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे हिंदी वीडियोस आएंगे आपके लिए। बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर ही मिलते रहें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्ते, गॉड ब्लेस।